नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जीतनराम मांझी की पार्टी, जीतनराम मांझी के शुभचिंतक कार्यकर्ता अब बदला लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। देखिए, आपको वो तस्वीरें तो याद ही होगी, बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जीतनराम मांझी पर गुस्सा फूटना, और उसके बाद सियासी गलियारों में ये चर्चाएं तेज हो गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को अपमानित किया है, दलित के बेटा को अपमानित किया है, और लगातार ये तमाम बातें तूल पकड़ती दिखाई दी। मगर अब जीतनराम मांझी की पार्टी के तमाम कार्यकर्ता काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, आक्रोशित हैं और करते नजर आ रहे हैं कि 2024 और 25 का रन बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में बदला तो लेंगे, मगर बदला वोट के माध्यम से होगा। सबसे पहले आप हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोमित कुमार को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि बदला तो लेकर रहेंगे। आज मानपुर प्रखंड के खेल परिसर में गरीब संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। संकल्प हमें इस बात का लेना है कि जिस तरह से जीतनराम मांझी जी को विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने अपशब्द कहा है, तो उसका हम गरीब लोग संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा में हम लोग उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसीलिए सारे गरीबों में उबाल है, उनके नीतीश कुमार जी के खिलाफ क्रोध है, वो सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको, ये प्रजातंत्र है, आप सब जानते हैं, यहाँ लाठी पहने से लड़ाई नहीं होती है, यहाँ वोट के माध्यम से लड़ाई होती है। और आने वाले विधानसभा और लोकसभा में जीतनराम मांझी जी के मानने वाले जितने अनुयायी हैं, उनके विचारों को मानने वाले जो लोग हैं, वो नीतीश कुमार जी को सत्ता से बेदखल करने का अपना पूरा प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को जिस तरह से हर प्रखंड में प्यार मिल रहा है, आप देख सकते हैं कि लगभग 5-6 हज़ार लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो आप ये बताता है कि आदरणीय श्री जीतनराम मांझी के पीछे सारा गरीब, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उनके पीछे खड़ा है। तो आपने सुना रोमित कुमार को किस तरीके से गुस्सा फूटा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। देखिए, आज गया में एक बड़ा कार्यक्रम जीतनराम मांझी के साथ साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन भी उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। तमाम कार्यकर्ता, जीतनराम मांझी के शुभचिंतक भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ऐसे में अब संकल्प लिया गया है, संकल्प वोट के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबक सिखाने का। और साफ तौर पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोमित कुमार ये कहते नजर आ रहे हैं कि बदला लिया जाएगा, मगर वोट के माध्यम से लिया जाएगा, क्योंकि ये कतई बर्दाश्त नहीं है जिस तरीके से उनके पार्टी के नेता जीतनराम मांझी को अपमानित किया गया बिहार विधानसभा सदन के अंदर। खैर, हम पल पल की तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।